देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़े। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य की स्थिति को बताते हुए लॉकडाउन पर क्या कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोरोना संकट और गहरा सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है और केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रेन सेवाओं को लेकिन अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र उचित रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को फिलहाल के लिए बंद ही रखे, क्योंकि अगर ट्रेन सेवाओं को बंद नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग आदि मुश्किल हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने पीएम मोदी से NHM फंड्स को जल्द जारी करने और तमिलनाडु को 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करने की भी मांग की। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बैठक में ये कहा कि लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक छूट देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो। रेड्डी ने कहा कि राज्य में 97,000 MSSE कर्मचारी हैं और 9,00,000 लोग इससे जुड़े हैं, और अगर इस सेक्टर को थोड़ी छूट नहीं दी गई तो आंध्र प्रदेश में भारी बेरोजगारी आएगी। वहीं पंजाब सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन करते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने और लोगों के जीवन यापन जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। दरअसल इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन पर उनकी राय ली थी, और अब लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। सो केंद्र सरकार अब इकोनॉमी को गति देने के लिए राज्यों में कामकाज शुरू करने पर भी विचार कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।